हेलो डियर स्टूडेंट्स इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेवल वन क्वेश्चन 91 वन टू हंड्रेड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 91 वन में मैं बोल रहा है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग एट 200 मीटर पर सेकंड विद इन वन मीटर पर सेकंड अनसर्टेनिटी दैट मींस यहाँ पर अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में जो दी गई है वो वन मीटर पर सेकेंड वाट इज द थियोटिकल अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन इन माइक्रोमीटर यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू अपने को पता करनी है तो हमारे पास हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजक्ल टू एच अपोन फोर पाई अब हमारे पास जो डेल्टा पी होगा उसे अपन क्या लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी ये वेलोसिटी हो जाएगी एच अपोन फोर पाई अब अपने को डेल्टा एक्स पता करना है तो यहाँ पर हो जाएगा एच अपोन फोर पाई एम डेल्टा वी तो हमारे पास एच प्लान कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होगी सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर जूल इंटू सेकेंड यहाँ पर पाई की वैल्यू हो, हो 31 अनसर्टेनिति, अनसर्टेनिति जाएगी 3.14 मास हमारा जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो होगा 9.1 पॉइंट वन इंटू टू द पावर माइनस थर्टी किलोग्राम और अनसर्टनिटी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो हो जाएगी यहाँ पर वन मीटर पर सेकेंड है डेल्टा वी यहाँ पर वन मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी 58 एट इंटू टेन टू द माइनस सिक्स मीटर जो कि अपन लिख सकते हैं 58 एट माइक्रो मीटर तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नाइनटी टू दैक्टर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय तो हमारे पास वेव करेक्टर को डिटरमाइन किया था इलेक्ट्रॉन के जर्मन ने तो जर्मन ने क्या किया था इट ही फायर एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द मेटल सरफेस इन दिस एक्सपेरिमेंट दे गो डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव इस तरह से हमारे पास यहाँ पर वेव नेचर का एक्सपेरिमेंट किया गया था तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नाइन्टी थ्री द एग्जैक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू पी ऑरबाइटल कैन नॉट बी डिटरमाइंड कि हमारे पास किसी भी ऑरबाइटल में इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट है तो उसका एग्जैक्ट रेडियस यानी पोजिशन और हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती तो इसका मतलब हमारे पास उनका अपन पाथ डिटरमाइन नहीं कैलकुलेट कर सकते तो ये हमारा कौन सा रूल है यह है हजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट है नाइन्टी फोर विच सीरीज़ ऑफ़ सब सेल इज़ अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स तो यहाँ पर अपन को सिंपली क्या करना है एन प्लस एल की वैल्यू का सम्मिशन करके देखना है कि यदि ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर अपन सबसेल्स देख लेते हैं उनके लिए एन प्लस एल की वैल्यू रखेंगे सिक्स एस फोर एफ़ फाइव डी और सिक्स पी ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन से ले लिया अपन ने अब एन प्लस एल का समेशन करें तो हमारे पास एल की वैल्यू जीरो होती है फोर एस वन पी टू डी और थ्री एफ के लिए एन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है तो यहाँ पर कितनी वैल्यू जाएगी सिक्स प्लस ज़ीरो सिक्स यहाँ पर फोर प्लस थ्री सेवन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फाइव प्लस टू सेवन और यहाँ पर हमारे पास होगा सिक्स प्लस वन सेवन अब यहाँ पर एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है तो हमारे पास एन की वैल्यू जो होगी हाइयर वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसलिए हमारा जो एनर्जी का ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा यहाँ पर सिक्स पी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी फिर फाइव डी की फिर हमारे पास फोर एफ़ की और सबसे कम होगी सिक्स एस की तो हमारे पास जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा सिक्स एस फोर एफ़ फाइव डी सिक्स पी इस तरह से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है नेक्स्ट है नाइन्टी फाइव द करेक्ट सरोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए इलेक्ट्रॉन विद टोटल एनर्जी ई एंड पोटेंशियल एनर्जी वी इज गिवन बाई तो हमारे पास आपको ये दोनों इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर यहाँ पर हो सकता है फोर पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो दूसरी इक्वेशन में भी हमारे पास इनिशियल्स तो सेम ही रहेंगे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास फोर पाई स्क्वायर अपॉन एम डे स्क्वायर जो है वो एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर ई क्या है ये है टोटल एनर्जी और वी हमारे क्या है पोटेंशियल एनर्जी ठीक है ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स में हमें क्या बोला गया वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन तो वेव मैकेनिकल मॉडल में क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की अराउंड और बाइट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारे पास किस तरह से रिवॉल्व करता है ये हमारे पास एक हाई स्पीड में वेव की नेचर की तरह रिवॉल्व करता है ठीक है तो हमारे पास वेव और पार्टिकल दोनों ही नेचर्स को डिटरमाइन अपन इससे कर सकते हैं तो यहाँ पर जब भी वेव मैकेनिकल मॉडल दिया गया था तो वो किस किस के बेसिस पे दिया गया था बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इन दोनों प्रिंसिपल के बेसिस पे ये मॉडल प्रपोज किया गया था और सरोडिंगर वेव इक्वेशन इस मॉडल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए लिखी गई थी तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे इस वेव मैकेनिकल मॉडल के लिए ट्रू होंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नाइन्टी सेवन इन सरोडिंगर वेव इक्वेशन मॉडल साई स्क्वायर आर थीटा थीटाफाइव रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एप्लीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से साई आर थीटा फाइव तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है नाइन्टी एट रेडियल एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय तो यहाँ पर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है रेडियल एम्पलीट्यूड को तो हमारा जो वेव फंक्शन होता है साई एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन ये हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड होता है रेडियल फंक्शन और एक एंगुलर फंक्शन तो यहाँ पर रेडियल फंक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से और एंगुलर फंक्शन हमारे पास ए थीटा फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है नाइन्टी नाइन अरेंज द फॉलोविंग और बाइटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज़ है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में हमारे पास जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन एन एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास जब आप एनर्जी डायग्राम बनाएंगे फॉर हाइड्रोजन एटम तो हमारे पास एन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे एनर्जी का ऑर्डर चेंज होगा एल की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा तो यहाँ पर वन एस फिर टू एस और टू पी दोनों की एनर्जी सेम होगी इसी तरह से 3s, 3p और 3d इन तीनों की एनर्जी सेम होगी तो ये फोर सिंगल इलेक्ट्रॉन है बट यदि यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक आ जाता तब ऐसा नहीं होता वहाँ पर n और l दोनों में रिलेशन हो दोनों पे डिपेंड करता है मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस यहाँ पर एनर्जी जो है एनर्जी डिपेंड्स ऑन एन एंड एल तो हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उन्हें म्यूचुअल रिपल्सन होता है तो ईच ऑर्बिटल के लिए एनर्जी डिफरेंसेस अलग अलग हो जाते हैं तो यहाँ पर 1s की एनर्जी यहाँ पर है तो 2s एनर्जी फिर यहाँ पर 3s, सॉरी 2s के बाद में 2p आता है फिर हमारे पास 3s हो गया 3p हो गया इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ होगी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। बट यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है तो यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा जैस जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा एनर्जी का ठीक है नेक्स्ट है हंड्रेड इन ए हाइड्रोजन आइटम विच ऑरबाइटल इज हाइयर इन एनर्जी देन ए थ्री एयर ऑरबाइटल तो जैसा कि अपन ने अभी देखा यहाँ पर थ्री तो एस के लिए एनर्जी जो होगी वो फोर्थ सेल की ज़्यादा होगी तो हमारे पास थ्री एस थ्री पी थ्री डी की तो एनर्जी सेम होगी फोर हाइड्रोजन एटम्स तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर कि यहाँ पर टू एस तो कम होगी थ्री पी और थ्री डी की सेम होगी फोर एस की एनर्जी हाइयर होगी तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा